प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए। हेलो फूडाहोलिक्स, आज हम बना रहे एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जैसे कि बासी रोटी जो घर पे बच जाती है उसकी आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। आप इसको सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही टेस्टी लगेगा ये डिश। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो हमने यहाँ पे बासी रोटियाँ ली हैं, जितने भी आपके बासी रोटियाँ बची हो वो आप ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब बेसन लिया है, उसके अंदर हम मसाले डाल देंगे, जैसे कि धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर हमने 1/2 चम्मच डाल दिया, नमक हमने 1 चम्मच, हल्दी हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब डाल देंगे, चाट मसाला हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच के करीब, और हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है 2 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम हल्का हल्का पानी मिलाते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पकौड़े बनते हैं उसका बैटर होता है, उस टाइप का बैटर हमें चाहिए, इसलिए आप हल्का हल्का करके पानी मिला के इसको गर्नी से मीडियम कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसा बैटर बनाना है। तो जल्दी से हम इसमें सब्जियाँ डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कटी हुई प्याज रखी थी, एक बड़ी प्याज काट के रखी थी वो डाल दिए, शिमला मिर्च हमने 1/2 डाल दिए, गाजर 1 डाल दिए, थोड़ा सा धनिया डाल दिए और टमाटर हमने 1 के करीब डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमारी बासी रोटी है उसके ऊपर आप इस बैटर को, घोल को अच्छे से लगा दें चारों तरफ कोनों तक, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये डिश सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को, बड़ों को, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये बासी रोटी है। तो इसको आप अच्छे से फैला लें। अभी हमने तवे पे 1 चम्मच के करीब तेल ले लिया है और उसके ऊपर हमने जो बैटर लगाया था उस तरफ वाली रोटी हमने डायरेक्टली तवे पे डाल दी है तेल पे। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे और हम रोटी का दूसरा साइड भी हम इसको पका लेंगे, गोल्डन ब्राउन क्रस्ट होने तक हमें इसको पकाना है। तो हम इसको गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं आता तब तक इसको हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे से रोटी कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रस्ट की हो गई है, एकदम क्रिस्पी हो गई है बहुत ज़्यादा, और ये गोल्डन ब्राउन आ गया कलर, और ऊपर भी हमारा देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो ये स्नैक है वो तैयार है, और आप देख सकते हैं कि बासी रोटी से हमने कितनी अच्छी डिश बना दी, बहुत जल्दी बन गई, बहुत ही टेस्टी है, और ये सारी चीज़ें घर पे होती है तो आप कभी भी इसको बना सकते। तो पहली बार बासी रोटी सबको पसंद आएगी, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये स्नैक बहुत पसंद आएगा, चाय के साथ सुबह नाश्ते में या फिर इवनिंग स्नैक के साथ शाम को आप बना सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और आप नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं कि आपको डिश कैसी लगी, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी डिश देखनी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।